वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। भारत के इस कदम से बौखलाए चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बार बार नतीजे भुगतने की धमकी दी। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐप्स बैन का चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसने भी मान लिया है कि भारत में बैन होने से टिकटॉक ऐप की पैरेंट कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से चीन को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कितना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल चीन का मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया, जिसमें उसने लिखा कि पिछले महीने गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने से टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटेंडेंस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ऐप के बैन होने से अगर इतने नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, तो फिर समझा जा सकता है कि 59 चाइनीज ऐप के बैन होने से चीनी कंपनियों को कितना बड़ा आर्थिक झटका लगा होगा। गौरतलब है कि इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने भारत के फैसले को लेकर कहा था कि भारत में चीनी प्रोडक्ट को बैन करने से भारत की अर्थव्यवस्था पर ही असर पड़ेगा, चीन पर नहीं। हालांकि उसने अब ये मान लिया है कि चीनी कंपनियों और निवेशकों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, जिस पर पिछले कई सालों से उसकी नज़र रही थी। ऐसे में भारत के इस कदम का चीन की कंपनियों पर असर पड़ना तय है। जानकार इसे भारत के कड़े रुख का नतीजा मान रहे हैं, जिससे चीन के सुर थोड़े ढीले पड़े हैं। जानकारों का मानना है कि चीनी कंपनियों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के नक्शे कदम पर दुनिया के अन्य देश भी चल सकते हैं। उधर 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का भी साथ मिला है। अमेरिका ने भारत की इस कार्रवाई की तारीफ की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। वहीं एक अनुमान के मुताबिक भारत में साल 2019 में टॉप 200 ऐप्स में 38% चाइनीज ऐप थे। भारत में पिछले साल भारतीय लोगों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक पर बिताया था, जो कि साल 2018 की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा था। ऐसे में टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटेंडेंस के लिए यह बेहद अहम था। बाइटेंडेंस के पास ही हेलो ऐप भी है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टार्टअप, करीब 100 अरब डॉलर है। ऐसे में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बैन होने से चीन को अरबों डॉलर का चूना लगना तय है। खुद ग्लोबल टाइम्स ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे चाइनीज ऐप्स के बैन होने से होगा चीनी कंपनियों को बड़ा नुकसान। इस बारे में क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।